इस त्रेता युग सत्य धरती पर आप तमाम जीविका दीदियों कैदियों का मैं प्रदीप कुमार सिंह क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ, छुट्टन करता हूँ। दीदियों और उपस्थित कैदियों, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जिन जीदियों के कंधे पर महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी सरकार के द्वारा सौंपी गई, आज वो दीदियाँ खुद अपने आप को असहाय महसूस कर रही हैं। अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आज इस बक्सर के किला मैदान में उपस्थित हैं। जिन दीदियों को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप बिहार के आधी आबादी को अपना अधिकार सिखाएंगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करेगी, आज दीदियाँ खुद अपने अधिकारों के लिए इस किला मैदान में उपस्थित हैं। यह बड़ा दुर्भाग्य। सबसे पहले हमारी जो समस्या है इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीजें है कि हम आप 16-17 वर्षों में जीविका को समझ नहीं पाए। जीविका की शुरुआत 2006-07 से हुई है और आज जीविका की उम्र लगभग 16-17 वर्ष हो गई। इस बक्सर में भी जीविका की शुरुआत मुझे लगता है कि 11-12 में हुई होगी, तो आज के समय में भी 10-12 साल इस बक्सर में भी है। क्या हो गया ना? इसके बावजूद भी हमारी क्या दशा है, दशा नहीं कहें से दुर्दशा कहें, कि आने वाले समय में हमारा भविष्य कितना बेहतर हो पाएगा इसको लेकर हम चिंतित हैं। आपको पता होना चाहिए कि इन 16-17 वर्षों में जीविका दीदियां लगभग 41,000 करोड़ की कर्जदार हो गई। जीविका का उद्देश्य था बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं को महाजनी प्रथा से बाहर निकालना है, लेकिन आज भी जीविका दीदियां महाजनी प्रथा से बाहर नहीं निकल पाई है, बशर्ते महाजन सिर्फ बदल गया। पहले जीविका दीदियां अपने गाँवों में घरों में आसपास के लोगों से कर्ज लेती थी, आज भी जीविका दीदियां ले रही है कर्ज, लेकिन वो बैंकों से ले रही है। तो पहला जो उद्देश्य था जीविका का कि बिहार के ग्रामीण गरीब महिलाओं के को महाजनी प्रथा से बाहर निकालना है, गरीबी से बाहर निकालना है, लेकिन हम उस जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। सिर्फ हम जीविका दीदियों को आज भी कर्जदार बनाए हैं, महाजन बदला है और गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाए। और तो बात है कि जब जीविका दहलीज पे खड़ी है, खुद कर्ज के मकड़जाल में फंसी हुई है, जो अपने 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है, उसे कहा जाता है कि जो दीदियां जो जीविका कैडर आपके लिए काम करते हैं उसे मानदेय दे। क्या यह संभव है कि गरीब दीदी जीविका कैडरों का मानदेय दे पाएगी? जो खुद कर्ज में डूबी हुई है आज भी वो कर्ज से बाहर निकलने के लिए छटपटाहट में वो संघर्ष कर रही है, और उस पर एक अलग से वचन दे दिया गया है, भैया जो आपके लिए काम कर रहा है उसके लिए मानदेय का भुगतान करें।